सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आपने जो कल गौर हॉस्पिटल की तरफ से जो कैंप का प्रोग्राम रखा है, आयोजित किया है, तो कौन से पेशेंट के लिए रखा है सर, उस बारे में ज़रा दर्शकों को विवरण करके बताइए। ये हमारा कैंप मुफ्त कैंप है। इसमें हमारे ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से रिलेटेड पेशेंट और स्किन त्वचा के रिलेटेड कॉस्मेटिक हेयर प्रॉब्लम नेल्स प्रॉब्लम के हैं, नाखूनों का है, स्किन का है, एलर्जिक है, फंगल इन्फेक्शंस है और हड्डियों की सारी बीमारियां, इसका ये कैंप है। ये मुफ्त कैंप है। सर, आपने बताया कि स्किन वगैरह का और ऑर्थोपेडिक हड्डियों का भी जो वगैरह की बीमारी है रिलेटेड उसका कैंप है, तो सर ये होती किस वजह से है? खास करके नौजवानों में ज़्यादातर होती है या ओल्ड स्टेज में होती है, उस बारे में। मैं दोनों बताता हूँ। हड्डियों की बीमारियाँ तो हड्डियों का फ्रैक्चर वगैरह है तो वो एक्सीडेंट ट्रॉमा उसकी वजह से होता है। नौजवानों में स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, खेलने के वजह से कुछ गिरने की वजह से जो इंजरीज होती है वो है। और जैसे कि उम्र बढ़ जाती है उसमें बढ़ती उम्र में जॉइंट घिसा होता है, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। ऐसे मन अपने रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ, हड्डी कमज़ोर होना, ये बढ़ती उम्र की बीमारियाँ होती है। और जैसे कि स्किन की बीमारियाँ हैं, त्वचा की बीमारियाँ, वो फंगल इन्फेक्शन है कि थोड़ा किसी का हाइजीन थोड़ा सा पुअर है या फिर एक दूसरे के टच में आने से ऐसे कुछ बीमारियाँ हैं तो वो होता है। कुछ बीमारियाँ स्किन की जैसे कि बालों की है, जो कुछ न्यूट्रिशन वगैरह अपने बालों को कुछ कम मिलता है, ऐसी चीज़ों की वो बीमारियाँ होती हैं। सर, स्किन की जो प्रॉब्लम आपने जो बताया, दूसरी भी जो प्रॉब्लम होती है, तो उसकी एहतियात बरतने के लिए क्या करना चाहिए? एहतियात बरतने के लिए स्किन की बीमारियों में हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए। प्रॉपरली आपका हाइड्रेशन, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, केमिकल्स का जो कॉस्मेटिक केमिकल्स होते हैं उसका उपयोग कम करना चाहिए। सर, आजकल देखने में आता है कि युवा जो है तो नशे का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या इस वजह से भी ये बीमारियाँ होती हैं? कौन से टाइप का नशा कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अभी अल्कोहल वगैरह है, उससे स्किन का थिनिंग होता है, बालों का झड़ना होता है। हाँ, टोबैको। टोबैको की वजह से भी स्किन में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। सर, ये कल कैंप रखे हैं आपने, तो इसमें और कौन कौन सी बीमारियों को चेकअप रहेगा और उसमें क्या क्या ये रियायत रहेंगी अपना पेशेंट को? अपना ऑर्थोपेडिक और स्किन का हॉस्पिटल है। हमारे मैडम स्किन का डिपार्टमेंट देखते हैं। बेसिकली जो फीमेल पेशेंट्स है वो फीमेल पेशेंट्स के लिए बहुत ही एक फीमेल डॉक्टर अवेलेबल है, तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी कैंप रहेगा। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो अपने शहर में ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स ही डर्माटोलॉजिस्ट में स्किन स्पेशलिस्ट है, फीमेल उनके पास जाने में थोड़ा कतराती है, बोलने में हिचकिचाती है, तो फीमेल हमारे मैडम होने की वजह से फीमेल पेशेंट को इसका बहुत लाभ होगा। और इसमें रियायत ऐसी है कि अगर कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लगते हैं तो ये इसमें आपको 30% तक इसमें डिस्काउंट है। मेडिसिन वगैरह कुछ है तो उसमें 10% तक डिस्काउंट है। जैसे एक्सरे वगैरह कुछ हड्डियों की बीमारी के लिए करते हैं तो उस पर 30% डिस्काउंट है। एमआरआई वगैरह के लिए 10% डिस्काउंट है। ये सारा है। काफ़ी अगर इसमें किसी को ऑपरेशंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है हड्डियों की बीमारियों की वजह से, तो उन लोगों को महात्मा ज्योतिबा फुले योजना का अपने पास बेनिफिट है। वैसे ही मुख्यमंत्री सहायता निधि का ऑप्शन है। और स्किन की प्रोसीजर अगर किसी को लेज़र या कुछ और पीआरपी थेरेपी या लेज़र है, डर्माटो सर्जरी है, ऐसे जो स्किन की प्रोसीजर्स है उस पे 10% डिस्काउंट है आपको। सर, आपका नाम बोल दीजिए और ये कैंप कितने बजे से स्टार्ट रहेगा और हॉस्पिटल यहाँ का पूरा एड्रेस बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अजय गौर है। मैं हड्डियों का विशेषज्ञ हूँ। हमारे मैडम डॉक्टर प्रियंका गौर वो स्किन स्पेशलिस्ट है। ये हॉस्पिटल अपना LMS ज्वेलर्स के बाजू में रोकड़ा हनुमान कॉलोनी पे है। कैंप कल 3 तारीख को 3 दिसंबर सुबह 10 बजे से शाम में 4 बजे तक रहेगा। और रोकड़ा हनुमान कॉलोनी जालना रोड के बाजू में अमरप्रीत होटल के पीछे अपना गौर हॉस्पिटल नाम से अपना हॉस्पिटल है।